ये क्या है, ये आपको रेंडरिंग के अंदर मिलेगा। इसका नाम है वीडियो पोस्ट। वीडियो पोस्ट का मतलब यही है कि वीडियो और पोस्ट मतलब पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, पहले तो ठीक है, मतलब इससे काम हो सकता था, होता था थोड़ा बहुत। ऐसा ऐसा इसकी जो है इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें, वीडियो पोस्ट बेसिकली एक छोटा सा वीडियो एडिटिंग का प्रोग्राम कह लीजिए था, वीडियो एडिटिंग का प्रोग्राम में क्या कहूँ, बहरहाल 3D की वीडियो एडिटिंग का प्रोग्राम था। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि इसमें दो तीन कैमरे लगा लिए आपने, दो तीन कैमरे लगाने के बाद जो है वो उसको बता दिया कि पहला कैमरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, आप दूसरा कैमरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, और उसके बाद इसमें ग्लो ऐड हो जाए और इसमें ये ऐड हो जाए और वो ऐड हो जाए, इस तरह करके पूरा एक सीन 3D से आउटपुट उसका मिल जाए। मगर ये आइडिया ऐसे ऐसे करके फ्लॉप होता चला गया और तकरीबन अब ख़त्म पे ही है। मगर कुछ चीज़ें हैं बहरहाल जो आप देख सकते हैं इसमें, मगर बस वो देखने की हद तक है। ज़ाहिर है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ज़्यादातर यूज़ होता है किस तरह, कंपोजिट होता है। चाहे कोई भी मूवी हो, कोई भी TV कमर्शल हो, कोई भी चीज़ हो, 3D में बन के आफ्टर इफेक्ट पे आनी ही आनी है पूरी दुनिया में। कोई इसमें दूसरी चीज़ है ही नहीं। अच्छा, क्या होगा कि सबसे पहले इसमें वीडियो पोस्ट के अंदर आपको एक इवेंट ऐड करना पड़ेगा। इवेंट कुछ भी हो सकता है। इवेंट से मतलब ये है कि एक इनपुट इवेंट। इनपुट इवेंट से मतलब ये है कि यहाँ से पहला ऑप्शन जो है ये टीपॉट जो है ये बनी हुई आ रही है, और इसके आगे एक एरो सा बना हुआ है, इस पर क्लिक किया। इससे क्या मिला आपको कि आपको पहला व्यू पोर्ट मिल गया है कि आप किस व्यू पोर्ट में काम करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा है कि आप कैमरा ही लगाएं, क्योंकि इसमें कुछ इफेक्ट ऐसे हैं ख़ास तौर पर डेप्थ, वो स्टार फील्ड और इस तरह का, जो सिर्फ कैमरे पे ही काम करते हैं। ठीक, तो अगर आपने कैमरा लगाया होगा तो यहाँ पे कैमरा आ रहा होगा। अभी एक व्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि एक व्यू बड़ा है। अगर चार व्यू बड़े होते तो चार व्यू नज़र आ रहे होते हैं इसमें। तो जो भी है वो डिपेंडेंट होता है कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं। फिलहाल मैंने क्या किया है, इसको पर्सपेक्टिव ऐड किया, और इसको जो है वो रेंडर सेटअप में मैं जा सकता हूँ। मगर रेंडर सेटअप में जाके अगर मुझे कोई चेंजेस करनी है, जैसे टू साइड ऑन करना है या इस तरह की चीज़, मगर एक चीज़ मैं यहाँ देख के नज़र आई वो ये कि हमारे पास जो है रेंडर सेटअप हुआ हुआ है वो कौन सा हुआ हुआ है, वीरे हुआ हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको वीरे किया हुआ है। असाइन रेंडर में जाएंगे और इसको वीरे से हटा के डिफ़ॉल्ट इसके इनलाइन पे ले आएंगे, क्योंकि माया का भी अगर डिफ़ॉल्ट रेंडर हो या मैक्स का भी डिफ़ॉल्ट रेंडर हो तो ठीक है, थर्ड पार्टी जैसे वीरे है या इसके अलावा और कोई है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं, मगर कुछ जगह पे आपको सॉफ्टवेयर का रेंडर ही यूज़ करना पड़ता है। ये उनमें से एक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड किया है इसको। अगर मैं क्या करूँ, इस पर डबल क्लिक करूँ और डबल क्लिक करके इसमें चेंज करना चाहूँ कोई चीज़, तो अब यहाँ पे चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्या, VB स्टार्ट टाइम 0 और एंड टाइम 100। ठीक, यानी कि वीडियो पोस्ट स्टार्ट जो होगी वो 0 पे होगी, 100 पे होगी। ये क्रिटिकल इसलिए हो जाता है कि जब आप यहाँ से रीस्केल टाइम करते हैं तो पुराने वर्जन में ये अपडेट नहीं होता था। हो सकता है अब होने लग गया हो, मगर आपको यहाँ मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। या इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर आप चाह रहे हैं कि वीडियो पोस्ट का जो भी इवेंट है, जो कुछ भी है, ग्लो है, कुछ भी है, वो कितना अप्लाई होगा। अगर आपके पास 1000 फ्रेम है और आप चाह रहे हैं कि 100 से लेके 200 तक या 200 से लेके 300 तक रेंडर हो खाली वीडियो पोस्ट से, तो यहाँ पे आप बता देंगे भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक वीडियो बहुत सही है, बाकी नॉर्मल रेंडर हो। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ठीक है, इतना टाइम सही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर आपको एक फ्रेम स्टिल इमेज चाहिए होता है तो फिर आप क्या करते हैं, वीडियो पोज स्टार्ट 0 और एंड जो है वो फ्रेम 1। तो स्टिल इमेज आ जाता है। एक तो सीन इवेंट आ गया है इसमें। सीन इवेंट के बाद खास ख्याल रखिएगा कि ये सिलेक्ट ना हो। सिलेक्ट होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसी की सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये नहीं बनाना आपको। यहाँ पे आपको इसका एक सेपरेट जो है वो इवेंट बनाना है, उसका नाम है ऐड इमेज फिल्टर इवेंट। पहले हमने क्या किया, सीन दिया कि भाई पहले क्या चीज़ आएगी सीन में, फिर उसके बाद जो है वो कौन सा फ़िल्टर लगेगा, यानी कि कौन सा व्यू पोर्ट और कौन सा फिल्टर। फ़िल्टर पे आए और फ़िल्टर में आके यहाँ से देखा कौन कौन से हैं, जी कंट्रास्ट है, फेड है,
इमेज अल्फा है, लेंस फ्लेयर है, ठीक, लेंस इफेक्ट ग्लो है, हाइलाइट्स हैं, स्टार फील्ड है, इसकी मैंने अभी बात की, ठीक है, ये सारे। अच्छा, अब इनमें से मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसमें ग्लो यूज़ कर रहा हूँ, तो ग्लो यूज़ करने के बाद अगर इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक, अब इसको दोबारा से जाके आपको इसके सेटिंग में जाना पड़ेगा। वैसे तो वहाँ से कर सकते थे, मगर मोस्ट ऑफ टाइम होता नहीं था ऐसा। जैसे आपने क्या किया कि अगर फ़िलहाल जैसे इसको आपको डिलीट करना है, तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या किया, फ़िल्टर इवेंट ऐड किया, मगर ये देखते हुए कुछ सिलेक्ट ना हो, यहाँ से फ़िल्टर इवेंट में जाके हमने यहाँ से ग्लो ऐड कर दिया। ग्लो करके यहाँ से ओके करने के बजाय यहाँ से डायरेक्टली सेटअप में चले जाते थे, तो ऐसा हो सकता था, मगर अगेन ये कभी कभी काम नहीं करता। तो बेहतर तरीका यही है कि इसको ओके कर दें और फिर उसके बाद जो है वो इस पर दोबारा डबल क्लिक करें और फिर इसको अपडेट करें। मगर अब जब हम इसके सेटअप में आएंगे, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा, सीन में कोई चीज़ जो है वो ऐसी नहीं है जो ग्लो करे। मैं प्रीव्यू तो मैंने देखा, प्रीव्यू में क्या हो रहा है, आपको इस तरह ग्लो नज़र आ रही है कि ये फ़िल्टर क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है, मगर क्या चीज़ ग्लो करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट ID 1। ऑब्जेक्ट ID 1 आपको करनी है। ऑब्जेक्ट ID 1 क्या है, हमने तो ऐड की ही नहीं। फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट ID 1 इस तरह आएगी कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया आपने, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में आए और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे जी बफर के अंदर आपको नज़र आ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट ID 1, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ID कहाँ कहाँ पे थी, एक तो था एडिट क्वाली के अंदर ऑब्जेक्ट ID, वो अलग है, वो मॉडलिंग के लिए, ठीक, मॉडलिंग यहाँ टेक्स्ट पे, एलेट के लिए। हाँ, टेक्स्ट एडिट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो है वो किस चीज़ के लिए है ऑब्जेक्ट ID, ये जो है वो फिल्टर इवेंट ऐड करने के लिए, ये आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है जी, और इस वाले को आपने टू कर दिया। इसको भी बंद कर दिया मैंने, ओके, टू कर दें। रेंडरिंग में आए, दोबारा वीडियो पोस्ट में आ जाएं, डबल क्लिक करें, सेटअप में आए, प्रीव्यू ऑन किया। प्रीव्यू ऑन करने के बाद अब हम यहाँ पे चेक लगाएंगे किस पे, VPQ, यानी कि अब वो क्या करे, फिल्टर तो आपको दिखा रहा है, मगर प्रीव्यू कौन सा दिखाए, वीडियो पोस्ट वाला प्रीव्यू दिखाया। तो वीडियो पोस्ट वाला प्रीव्यू क्या था, ऑटोमेटिकली देखिए प्रस्पेक्टिव में चला गया। अब यहाँ कैमरा होता था, कैमरे का व्यू आ जाता, तो जो व्यू डाला वो व्यू आ गया। ऑब्जेक्ट ID 1 थी वो ग्लो हो रही, ऑब्जेक्ट ID 2 कर देंगे ये ग्लो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, जैसे ऑल ग्लो ना हो, सिर्फ एजेस ग्लो हो इसकी, ठीक है, या जो है वो और आगे आते हैं इसके प्रेफरेंसेस में आते हैं। प्रेफरेंसेस में जो है वो इसका साइज़ नज़र आ रहा है कि इसका इफेक्ट का साइज़ क्या है, इसका साइज़ मैंने कर दिया 2 या 3 कर दिया, तो ये क्या होगा, उतनी बड़ी ग्लो आ जाएगी आपके पास जितनी आपने यहाँ पे रखी है। इसके बाद और क्या हुआ, इसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये पिक्सल क्या है कि जिस कलर का पिक्सल होगा उसी कलर की ग्लो भी आएगी। अगर आप यूज़र कर देंगे तो जो आप कलर देंगे यहाँ पे उसी कलर की शाइन आएगी, मगर अगर आप ग्रेडियंट कर देते हैं तो ग्रेडियंट आप कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट में यहाँ पे डबल क्लिक करें इस पर और यहाँ पे इसकी जगह कोई और कलर कर दें, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, 14 अगस्त वैसी आ रही है, ठीक। तो ये ग्लो यहाँ से आ गई है, बाकी यहाँ से और सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ग्रेडियंट से इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। साइज़ इसका क्या है जी, साइज़ इसका बढ़ाते चले जाइए। अच्छा, ये तो देख लिया था अभी हमने, और इसकी सॉफ्टनेस है, कितना इमेज सॉफ्ट होगा, ठीक है। लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है इसका, इन्फर्नो। इन्फर्नो क्या करेगा कि इन्फर्नो वैसे बेसिकली क्या होता है कि जैसे गैस की स्टेट होती है, जैसे कोई बर्निंग, जैसे मैं क्या करूँ, क्या कहूँ, बहुत आग की तरह की कोई चीज़ होती है। देखिए, हमने कैमरा एनिमेट करवाया, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक कैमरा एनिमेट करवा दिया। अब इस पे हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर अभी फ़िलहाल जो अफेक्ट हम देखने जा रहे हैं वो है स्टार फील्ड, ठीक। सबसे पहले आपने इनपुट इवेंट लिया, इनपुट इवेंट लेने के बाद
है वो फिल्टर इवेंट में आए, फिल्टर इवेंट में आके लास्ट में मिल जाएगा आपको स्टार फील्ड, ठीक। और मैंने इसको कितना रखा हुआ है, मैंने इसको 25 रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो मूवमेंट है कैमरे की वो भी 25 तक ही है। मगर देखें गलती से क्या हो गया, ये सेलेक्ट हो गया इसके साथ ही, तो अब ये सही नहीं है। मैं इसको अंडू कर दूंगा, और अगर नहीं हो रहा तो इसको डिलीट करना पड़ेगा हमें, ठीक। डी सेलेक्ट करके फिर दोबारा से फिल्टर इवेंट लगेगा। स्टार फील्ड में ये भी कहाँ से हो रहा है, 0 से लेकर 25 तक, ठीक है। इसके सेटअप में आ जाइए, इसके सेटअप में कोई ख़ास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। बस ये पूछ रहा है कि जो सबसे डिम स्टार होगा वो कितना ब्राइट होगा, और जो सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा वो कितना होगा। बेसिकली RGB वैल्यूज़ हैं। ब्राइटेस्ट स्टार 255, मतलब ये कि प्योर वाइट होगा ये, और ये जो डिम स्टार होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। इसको आप 10 भी कर सकते हैं ताकि लाइट ग्रे सा आ जाए। इसके बाद जो है वो स्टार का साइज़ क्या है वो आपने बता दिया, कितने स्टार, कितना मोशन ब्लर अप्लाई हो यहाँ पे, वो यहाँ पे आप अमाउंट दिया हुआ है। क्योंकि हमारी एनिमेशन तेज़ है, 25 फ्रेम की है, इस वजह से हम इसका अमाउंट जो है वो कम रखेंगे, 40 रख लें, कम मोशन ब्लर अप्लाई हो। इसके बाद कितने जो है वो स्टार हों, काउंट यहाँ पे दिया हुआ है 15 जो भी है, तो वो यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैकग्राउंड या फोरग्राउंड, टी पॉट अगर रखी हो, जाहिर है इसके टी पॉट के बैकग्राउंड पे आए ये। ओके कर दिया हमने, ओके कर दिया। डी सेलेक्ट करके इसका आउटपुट इवेंट लिया, फाइल्स में आए। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि कोई जो है वो कोई फाइल बना दें, TGA बना दें बेहतर है, ताकि आप उसको कंपोजिट कर सकें। मगर मैं क्योंकि वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि वो प्ले हो, तो हम यहाँ पे AVI बना लेते हैं इसके। सेव करेंगे, कंप्रेसर पूछेगा आपसे, ओके कर दिया। ओके रेंडर करेंगे हम, रेंज देखें 0 से लेकर 25 तक, साइज़ जो है इसका ये सही है, और रेंडर। ठीक है जी, हमारे AVI बन गई है, फिर चला के देखते हैं, देखते हैं मोशन ब्लर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। वो कैमरे की मूवमेंट कंट्रास्ट ऐड करेगा, फेड हो जाएगा। इसके बाद जो है वो ये वाला सही है, लेंस इफेक्ट फ्लेयर। कुछ में है कुछ में नहीं है, जाए स्टार फील्ड में क्या चैनल आई डी होगी। चैनल आई डी मतलब ये है कि आपको फ्लेयर है, मिसाल है, ठीक। अब फ्लेयर किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, या मिसाल स्टार फील्ड है वो बैकग्राउंड में पूरा लगना, उसमें क्या आइडिया है। ग्लो ये है यहाँ किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, वरना ग्लो पूरे पे लग जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। लेंस फ्लेयर अप्लाई किया, डबल क्लिक किया है इस पर, सेटअप में आए। होपफुली हमने आईडी इसकी दी हुई होगी, ठीक है। प्रीव्यू ऑन करते हैं, VPQ सही। यहाँ पे आपको जो है वो दो तीन काम आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो यूज़ करने को होगा कि किस तरह कौन सी चीज़ जो है किसी तरह प्लेयर आए, उसके लिए आप ये करेंगे कि यहाँ पे नोट सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब नोट सोर्स में एक काम अच्छा होता है, ऐसे ही होता है, वो ये कि एक ओमनी लाइट पे लगा देते हैं इसको। ओमनी लाइट पे क्यों लगाते हैं, या जो है वो उस पर पॉइंट पे लगाते हैं, वो क्यों, इसलिए कि वो ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ ओमनी लाइट जहाँ जहाँ मूव होती है, तो लाइट भी होती है, वो जहाँ जहाँ जाती है वो ग्लो भी करती है और फ्लेयर भी आ जाता है। फिलहाल मैं क्या कहता हूँ, नोट सोर्स पे आता हूँ, और यहाँ पे कोई सीन ऐसी चीज़ नहीं है इसमें लग सके। ओके मैं इसको ओके कर रहा हूँ, एक ओमनी लाइट लगा रहा हूँ। लाइट आ गई इस लिस्ट में, ओके कर दिया। प्रीव्यू VPQ, ठीक ये आ गया। अब ये
ये फ्लेयर कैसा है, ये तो बाय डिफॉल्ट ऐसा है, ठीक। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंजेस इस तरह आएगी कि जैसे यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कि इसकी ये स्पीक है, स्पीक हटा देंगे, ठीक, फिर इसको अपडेट करेंगे। ओके, यहाँ पे और देखते हैं कहाँ पे है स्पीक। अच्छा, इसकी ग्लो हटाते हैं, अपडेट करते हैं। अलाइन टूल में आएंगे और अलाइन टूल में जाने के बाद इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो लाइट आपकी कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट होता है वो मूव होता है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि लिंक में जाके सेलेक्ट एंड लिंक, इसमें जाके मैंने इसको इसके साथ लिंक करवा दिया। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ लाइट मूव होगी, जहाँ जहाँ कैमरा मूव होगा, वहीं वहीं लाइट ही मूव होगी। आप सही हुआ, पहले वो पिक नहीं हो रहा था किसी तरह, ठीक है। अब देखें जहाँ जहाँ कैमरा मूव होगा वहीं वहीं लाइट ही मूव होगी, ठीक है। इससे ये होगा कि सीन में फ्रंट से थोड़ी सी रोशनी आ जाएगी, मगर इसकी लाइट जो है वो हम थोड़ी डिम रखेंगे, जैसे 0.3 बस। जल्दी से इसकी AVI बना लेते हैं। स्टार फील्ड हमने इसकी निकाल दी है, इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लेयर है। अब ये देखें कि स्टार फील्ड इतना हैवी नहीं था जितना जो है ये फ्लेयर हैवी है, उसके बावजूद भी लाइट ना भी होते हुए खाली फ्लेयर भी जो है ना वो थोड़ा हैवी है। उसके बाद एक लास्ट इफेक्ट देख रहे हैं, हाईलाइट।
क्या करेगी कि जिस आईडी को आप बताएंगे, ये वाली आईडी है, ये वाली आईडी, उसके ऊपर हाईलाइट लेके आ जाएगी, यानी कि आप देखें ग्लिटर लेके आ जाएगी। अब ये वाली ग्लिटर जो है वो एजेस पे हैं या ऑल कर देंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, वही वाली चीज़ें हैं जो आपने ग्लो में देखी थी। ज्योमेट्री में आ जाएं यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड मैं इसको, थोड़ा क्लियर नज़र आए। इसके बाद अगर मैं ये इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ तो ये इसका एंगल भी चेंज हो रहा है, इसका इसके स्टिक्स का, या जो है वो इसका जो है वो रेज जो है ये प्रिफ्रेंसेज में जाके उसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, 10 के बजाय इसको हम 5 कर लेते हैं, स्टार जो है तो छोटे हो गए। यूज़र करेंगे तो आपकी मर्ज़ी से हो जाएगा, ग्रेडियंट करेंगे तो जो आप ग्रेडियंट में बताएंगे वो कलर आ जाएगा, ठीक है। कितने पॉइंट्स के हों स्टार, ये है इसका। सब पे लग सकता है, सब जितने की आईडी बन होगी सब पे लग सकता है, ठीक है। आईडी आपको बन करनी पड़ेगी, जैसे आप इसमें इसकी भी आईडी बन कर दो, सबका आ गया एनिमेट, यहाँ पे ये एंगल्स होगा, ऑटो की ऑन करके यहाँ से हम इसका एंगल चेंज कर, क्या चीज़ अच्छा इसकी की जो है हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही जैसे सलमान कह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें ग्राफ एडिटर में जाना पड़ेगा, ठीक। ग्राफ एडिटर डॉप शीट में आ जाएं या कर्व एडिटर में आ जाएं, कर्व एडिटर तो आपने देखा हुआ है, डॉप शीट में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें की फ्रेम आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो जैसे जहाँ पे हम ये ऑन करते हैं तो जो ये वाले पैरामीटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शो हाई नेट ट्रैक व्यू, ठीक, इसको प्रेस करने से, आई मीन अभी देखें प्रॉब्लम क्या है, 2014 में प्रॉब्लम ये हो रही है, इससे पहले तो ये नहीं होता था, यहाँ पे आपको शो होता था ये ट्रैक, मगर इससे पहले ही तक ये शो नहीं हो रहा था, ठीक। मैंने इसको मैन्युअली ऑफ किया है, फिर दोबारा ऑन किया है तो उसने अपडेट किया है यहाँ पर, ठीक। एक तो ये प्रॉब्लम है इसकी, वरना क्या होता है कि जैसे ही इसको ऑन करते हैं ये पूरा हमें नज़र आता है कि जो है वो ऑप्शन क्या क्या है, एक तो ये मसला है इसमें। दूसरा जो है वो ये है कि इसके डॉप शीट किस तरह काम करती है, इस तरह रेंज की तरह काम करती है, यानी कि ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एंड यहाँ पे हो रहा है, इसके की फ्रेम हम आगे पीछे हम कर सकते हैं, 25 के बजाय हम इसको और आगे ले जाएँ पीछे ले जाएँ, ठीक है, वो सब हो सकता है। ये क्या शो कर रहा है, ये लेंस इफेक्ट हाईलाइट शो कर रहा है, और उसमें क्या चीज़ शो हुई भी एंगल शो किया हुआ है, ठीक। ये
दूसरा मसला यहाँ पे ये हो रहा है कि ये कर्व एडिटर में शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं जो आपके लिए शायद थोड़ी आसान हो जाए, वो ये कि हमारे पास सीन में अभी क्या है कि एक कैमरा लगा हुआ है और दो तीन टीपॉट है। मैंने यहाँ क्या किया हुआ है कि इसमें शो में जाके ऑटो एक्सपेंड में जाके सिर्फ इस पे क्या किया हुआ है, एनिमेटेड पे चेक लगाया हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ पे बाकी जितनी भी कीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, मुझे ये शो हो रहा है। वरना अगर मैं क्या करूँ कि ट्रांसफॉर्म भी शो करवा दूँ इसमें, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म या बाकी और जो है वो इसमें और ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर हम व्यू में आ जाएँ, व्यू में आके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या, फ़िल्टर क्यू, उसकी शॉर्टकट की है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप दिखा सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको शो करनी है। मिसाल के तौर पे एनिमेटेड चेक पे सिर्फ चेक लगाया हुआ है, अगर इसी जगह सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे भी कर देंगे या जो है वो इसमें और ऑब्जेक्ट पे क्लिक लगा देंगे, तो वो सब क्या होगा, वो सब कुछ आपके पास सीन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर हम यहाँ फिल्टर में आ जाएं और फिल्टर में एनिमेटेड के बजाय यहाँ पे कीएबल ट्रैक पे लगा दें। कीएबल ट्रैक मतलब जितने भी ट्रैक हैं जिन पे आप जो है वो की लगा सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, वो करने के बाद आपने इसको ओके कर दिया तो इसमें सारे ट्रैक्स आपको नज़र आने शुरू जाएंगे। मगर ये बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर रहा है ये मैक्स इस दफ़ा, ठीक। तो उस सूरत में क्या होता है कि सारे की फ्रेम आपको सारे ट्रैक जो है वो नज़र आते हैं, सही है। मैं ज़रा जिस ऑब्जेक्ट को आइडियल सिचुएशन मतलब होता है इसमें ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करते हैं खाली वो जो है ना वो सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, बाकी के सारे की फ्रेम सारे वो ऑब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो फिल्टर से बहरहाल आप ये कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि हम अभी क्या देख रहे हैं, हम अभी इसको रेंज सिलेक्टर देख रहे हैं। रेंज सिलेक्टर से मतलब ये है कि इस तरह के आपके पास डॉट्स आ रहे हैं, अगर आप इसके जगह की देख लें तो ये अब आपको की, ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि ज़रूर यहाँ पे आप की आगे पीछे से कर सकते हैं कि ये वाले की आगे कर दिया आपने, वाले की पीछे कर दी, ये सारी की जो है वो इसके आगे मूव कर दी, क्योंकि एक ही पोजिशन में की लगी हुई है वो मूव कर सकते हैं। यही चीज़ जो है वो आपको कर्व एडिटर में मिलेगी। कर्व एडिटर दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं भी है, यहाँ पे भी आप कर्व एडिटर में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ, ये हमने देखा था व्यू के अंदर जो है वो फिल्टर है, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर यहाँ पे क्या चेक लगा हुआ है, एनिमेटेड ट्रैक और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक। सिलेक्टेड चेक हटा देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट, भले सिलेक्ट कोई भी हो, मगर जो है वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा जो एनिमेटेड है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और भी है कि जैसे आपके पास कोई शेप बना हुआ है, अब मैं यहाँ पे आके क्यू प्रेस करूँ तो नीचे ऑप्शन देखिए में क्या लिखा हुआ है, हाइट बाय कैटेगरी। हाइट बाय कैटेगरी का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे जो है वो क्या करता हूँ, ज्योमेट्री पे चेक लगा दूँ, ठीक, और यहाँ पे जो है वो ज्योमेट्री पे चेक लगा दूँ, तो क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, ये स्प्लाइन आनी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट की लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है। दोबारा आ जाएँ यहाँ पे और इस दफ़ा मैं शेप हटा देता हूँ, ज्योमेट्री जो है वो शेप पे लगा देता हूँ, शेप हाइड हो जाएगा, ज्योमेट्री खाली शो होगी, लाइन गायब हो गई, ठीक है। मगर पर्सनल एडवाइस ये है कि इसके व्यू में जाके इतना ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर कर लें
बेहतर मुझे लगता है कि एनिमेटेड ट्रैक पे आप चेक लगा दें। इससे सिर्फ ये होता है बेनिफिट आपको कि ट्रैक व्यू में जाके जो है वो आपको सिर्फ एनिमेशन ही तो मूव करनी होती है ना, चेक करनी होती है, तो आपने खाली क्या है एनिमेटेड ट्रैक पे चेक लगाया हुआ होता है, तो आपके पास सीन में सब कुछ नहीं आ रहा होता, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है जो कि एनिमेटेड है, उस पर आप मूव कर सकते हैं। सही है। और ये ट्रैक व्यू और डॉग शीट यूज़ कब होता है, जब आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन आपने की हुई हो, ख़ास तौर पे जैसे करेक्टर एनिमेशन की आपने की हुई हो, तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ बेसिक एनिमेशन तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।